नमस्कार, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। ये नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। देश भर में कोरोना के 5,600 नए मामले, 132 लोगों की मौत। आओ चलें कुछ रोगियों की बस्ती में, भट कैंप, बस बजाती नालियों में डूबता विकास। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में यानी कल 20 मई सुबह 8 बजे से लेकर आज 21 मई की सुबह 8 बजे तक कोरोना संक्रमण के 609 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना से पीड़ित 132 मरीजों की मौत हो चुकी है। साथ ही इसी बीच कोरोना से पीड़ित 3,002 मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है। देश भर में अब कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 112,359 हो गई है, जिसमें से अभी तक 40.32% यानी 45,300 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और कोरोना संक्रमण के कारण कुल 3,435 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ देश में अब कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 63,624 हो गई है। ICMR द्वारा आज सुबह 9 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक कुल 26,15,920 सैंपल की जांच की गई है, जिसमें से 103,532 सैंपलों की जांच बीते 24 घंटों में हुई है। बीते दिन सबसे अधिक मामले 9 राज्यों से सामने आए हैं, जिसमें महाराष्ट्र 2,161, तमिलनाडु से 743, दिल्ली से 534, गुजरात से 397, मध्य प्रदेश से 270, उत्तर प्रदेश से 249, बिहार से 176, राजस्थान से 170, पश्चिम बंगाल से 142 मामला सामने आया है। साथ ही ओडिशा से 74, जम्मू कश्मीर से 73, आंध्र प्रदेश से 70, कर्नाटक से 65, हरियाणा से 29, असम से 28, तेलंगाना से 27, केरल से 24, हिमाचल से 18, मणिपुर से 16, छत्तीसगढ़ से 14, उत्तराखंड से 11, गोवा से 4, पंजाब से 3, चंडीगढ़ से 2 और एक एक नया मामला लद्दाख और मेघालय से सामने आया है। बीते दिनों देश के 7 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से कोई नया मामला सामने नहीं आया है, जिसमें झारखंड, त्रिपुरा, निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, दादर और नागर हवेली और मिजोरम शामिल है। वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह ने रुख किया दिल्ली के आनंद पर्वत में कुष्ठ रोगियों की एक बस्ती, लोकमाता कुष्ठ आश्रम का। यह कुष्ठ रोगियों का ट्रांजिट कैंप है जहां कुष्ठ रोगियों के परिवार रहते हैं। कोरोना संकट और लॉकडाउन ने इस बस्ती पर भी भीषण संकट डाला है, लेकिन गंदी पतली गलियों में बिल्कुल अदृश्य सी जगह बसाई गई यह बस्ती किसी को नजर नहीं आती और सरकार इन्हें कभी देखना भी नहीं चाहती। भीख मांगना बंद, कामकाज बंद, नौकरियां छूट गई हैं यहाँ के निवासियों की, लेकिन फिक्र किसे है? आइए देखते हैं यह ग्राउंड रिपोर्ट। आज हम पहुंचे हैं लोक माता कुष्ठ आश्रम में। यहाँ पर तकरीबन 46 फैमिलीज हैं जो कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं। ये इलाका 3 साल पहले इस तरह से बसाया गया ट्रांजिट कैंप है। इससे पहले ये लोग कठपुतली कॉलोनी के पास रहते थे। ये आनंद पर्वत में पड़ता है, आनंद पर्वत थाना बगल में है। और यहाँ पर जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से कोरोना का संकट हुआ है, उसके बाद से भीषण संकट आजीविका का है, रोजी रोटी का है। ये इनमें से अधिकांश कुष्ठ रोगी हैं वह अपना गुजारा बैगिंग करके करते थे। उनके परिवार के बाकी लोग जो हैं वो छोटे मोटे काम करते थे। सब कुछ बंद है अभी। क्या नाम है आपका? शैली। शैली जी, कब से आपको कुष्ठ रोग है? ये बचपन से है, मतलब मैं 10 साल का उम्र में होंगी जब से आया। तब से घर में और किसको किसको है? और घर में किसी को नहीं है। आपको कैसे हुआ? यहाँ दागी शुरू हुआ था, दागी से शुरू होके हाथ पैर खराब होने लगा। अभी क्या हाथ दोनों आपके खराब है? पैर में भी है? पैर में भी है, जख्म होता है कभी कभी, अभी तो नहीं है, इधर होता है जख्म। कैसे गुजारा करती हैं आप अपना? मांगने जाते हैं, भीख मांगने जाते हैं। कहाँ पर? बाहर। बाहर यानी कहाँ पर? कहीं जैसा शादीपुर डिपो हो गया, करोल बाग हो गया, उधर उधर जाते हैं मांगने के लिए। अभी जब से ये कोरोना की बीमारी है, इसके बारे में क्या सुना है आपने? अभी तो हम लोग घर में बहुत बुरा हाल है, अभी हम मांगने नहीं जा सकते हैं। हम लोगों को खाने के लिए भी बहुत तकलीफें हो रही है। इस ऐसे कोरोना की वजह से हम कहीं बाहर नहीं निकल सकते, कुछ नहीं, सब घर में रह रहे। अभी आपको मदद क्या क्या मिली है? मदद अभी हमको राशन उशन का मदद मिली है। क्या नाम है अम्मा आपका? एलम्मा। कहाँ की रहने वाली हैं आप? आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश के? आंध्र प्रदेश में कहाँ से हैं? बहुत दिन हो गए इधर आके, वरंगल तरफ से। यहाँ ज्यादा लोग
देश के हैं सारे लोग? सारे लोग आंध्र प्रदेश के हैं। अभी जो लॉकडाउन हो रहा है उसमें क्या सबसे मुश्किल है आपको? पानी का मुश्किल है, बहुत कमी पानी आता है, पानी का मुश्किल बहुत कमी है, बहुत कमी मुश्किल से पानी मिलता है। कहाँ लेने जाना पड़ता है? इधर बाहर लेके जाके रेड के ऊपर आता है ना पानी, टंकी के ऊपर, टैंकर के ऊपर 20 रुपए लेके लेके आता है। अच्छा। 10-20 रुपए लेके देता है, 4-5 बाल्टी। इधर भी 4-5 बाल्टी मिलता है, बस नहीं होता। आप भी कहीं जाती हैं या यहीं रहती हैं? नहीं, अभी बच्चे लोग को नहीं जाने देते। पहले जाती थी? पहले जाते थे। कहाँ पर? मांगने के जाते थे। जो भी हेल्दी पर्सन है ना, सारे यहाँ पे मजदूरी का काम करने वाले, जो भी हेल्दी इनके बेटे बहू है, सारे जो भी काम बाहर मिलता था वही काम करते थे। लेकिन अब सबका काम बंद है, सबका रोजी बंद है, तो सबको अपना घर में रोजी चलाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। क्या नाम है आपका? इन भाई। कितने साल से हैं यहाँ पर? 50 साल चल रहा है। 50 साल चल रहा है। यहाँ कब आए? बहुत दिन है ना, मन कहा जाए तो 50 साल है तो सिर्फ है। पहले वहाँ थे ना, कठपुतली कॉलोनी? 3 साल। हाँ, उधर है। इधर 3 साल चल रहे हैं। 3 साल चल रहे। अभी ये जो लॉकडाउन है इससे क्या मुश्किल हो रहा है? बहुत मुश्किल हो रहा है बेटी, क्या करना, मुश्किल है तो कैसे भी जीना पड़ता है। अब सब बंद है ना बेटा, किधर जाना किधर आना, मुश्किल में। यहाँ पर है ना टोटल 52 फैमिलीज है। 52 फैमिली में से अभी 46 फैमिली अवेलेबल है, और 46 फैमिली में 140 तक मेंबर है सारे। अब इस लॉकडाउन में जैसे कि सारे यहाँ वाले लेप्रेसी पेशेंट हैं, और सारे वेगिंग करके अपना गुजारा करते हैं। जो हेल्दी पर्सन है वो सारे घरों में काम करने जाते थे या हाउसकीपिंग के काम के लिए जाते थे। जैसे लॉकडाउन के वजह से अभी सारे ही काम बंद है, कहीं बाहर निकल नहीं पाते, तो हमें बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे कोई दानी आता है तो राशन वाशन दे देते हैं, तो उससे राशन से घर का तो खर्चा निकल जाता है, लेकिन ऊपरी खर्चे के लिए बहुत परेशानी होती है। मैं भी बाहर जाती थी ऐसे ही, घर का काम करने के लिए जाती थी, अब तो सबने मना कर रखा है तो घर में ही रह रहे। कहाँ पर काम करते थे आप? पटेल नगर। पटेल नगर। कितना पैसा मिल जाता था आपको? मैम घर का काम के लिए जैसे सारा काम करते तो कोई 2,000 देता है, कोई 3,000 देता है, दो दो घरों में काम करते तो 4,000-5,000 मिल जाते थे। अब वो सारे ने मना कर दिया तो हम लोग घर में ही रह रहे। अब खुल जाएगा तो फिर जाएंगे? वो बुलाएंगे तो जाएंगे, अब तक तो पूछ रहे तो मना ही कर रहे हैं, बोल रहे हैं अभी नहीं आना। क्या नाम है भैया आपका? सीनू नाम। सीनू। कितनी उम्र है? 24। आपके माता पिता यहाँ रहते हैं? मदर हैं, विडो हैं, और मैं खुद ही घर को चलाने के लिए काम करता था लॉकडाउन से पहले। लेकिन अभी बहुत तकलीफ है, दिक्कत है, जो सेविंग्स थी वो खर्च हो चुकी हैं। अब आगे की प्लानिंग है कि कैसे हमें मदद मिलेगी या कैसे काम होता है, उसके लिए हमें सोचना है, या फिर हमें मदद चाहिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत दिक्कत है और परेशानी है, रोज़मर्रा के लिए परेशानी है, नौकरियों के लिए परेशानी है। क्या काम करते थे आप? मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करता था, प्राइवेट कंपनी में, ओखला में। वो लॉकडाउन की वजह से जॉब जा चुकी है, और उससे वो जॉब चली गई है या? हाँ जी, कॉस्ट कटिंग में जॉब चली गई। चली गई है? जी मैम, चली गई। कैसे पता चला आपको? उन्होंने मैसेज कर दिया, मेल कर दिया, हमारे पास काम नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कितने लोगों की नौकरी गई यहाँ से? इंडिविजुअल्स हैं कुछ लड़के, वो लोग बता सकते हैं, जैसे हैं आप इंडिविजुअल पूछ सकते हैं। कई लोग हैं? कई लोग हैं, ऑलमोस्ट सभी हैं, क्योंकि किसी का अपना काम था, कोई पेंट्री वर्कर था, कोई हाउसकीपिंग था, कोई हार्ड लेबरिंग काम करने वाला बंदा था, ऐसे। तो सबके साथ कोई ना कोई इशू है लॉकडाउन जब से हुआ है, और सारे एक्सपेंसेस हमारे जो चलते थे वो अब नहीं चल पा रहे हैं। कहीं जा रहे हैं, कोई सर्विस या छोटा मोटा जॉब कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि हम लेप्रेसी घर से आते हैं। अगर उनको पता लग जाए तो वो मना कर देंगे। हम जैसे किसी के घर में अभी बर्तन धोने जा रहे हैं, अगर हम उनको बता दें कि हम लेप्रेसी पीड़ित समाज से आ रहे हैं या उनके घर से आ रहे हैं, तो वो बोलेंगे नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं। नरेश। क्या काम करते थे आप? प्रिंटिंग प्रेस में। प्रिंटिंग प्रेस, प्राइवेट कंपनी में। कब काम टूटा?
काम तो अभी लॉकडाउन से कुछ 10 दिन हुआ है, जब से उससे पहले ही। क्या बोला उन्होंने? कुछ नहीं, यूँ ही बस बोला काम में है नहीं है, बस आपको आना नहीं है, बस इतना ही बोला है। फिर हमने वजह पूछी क्या कारण है, तो बोला बस यूँ ही है, कुछ बोला ही नहीं जब से फिर बैठे, कुछ नहीं बोला। पैसा दे दिया उन्होंने? कितना पैसा मिलता था आपको? मेरे को मैम 9,000 मिलते थे। मेरा नाम अशोक है और मैं कोल्ड ड्रिंक सप्लाई का काम करता था मैडम, होलसेल रेट में कोल्ड ड्रिंक सप्लाई का काम करता था, फैक्ट्री से माल उठा के दुकानदारों को देने का। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से काम धंधा सब बंद पड़ा हुआ है। अभी जो पैसे जमा करके रखे थे इस टाइम खर्चा हो गया है, थोड़ा बहुत जो राशन मिल रहा है उससे काम चल रहा है, लेकिन अब आगे के बारे में सोचने में थोड़ी दिक्कत है कि आगे बच्चों की फ़ीस भरनी है, बच्चों की किताबें लेनी है, तो उसके लिए थोड़े बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो आगे का वही दिक्कत है। अब क्या कर सकते हैं, अगर थोड़ी मदद मिल जाए। घर में कौन कौन है? घर में मैं और मेरी बीवी और 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियाँ एक लड़का है। बच्चों को मैंने स्कूल में डाला था अभी, तो अभी उनका नेक्स्ट ईयर अगले क्लास में जाने के लिए बुकें लेनी है। अब बुकें भी प्राइवेट की है तो थोड़ी महंगी पड़ेगी। अब ये 2 महीने से घर में बैठे हैं तो कमाने का कोई जरिया नहीं रहा, जो बच्चा को चाहता वो खर्च हो गया है। मैं साउथ इंडियन फूड का स्टोर लगाता था, और जो जब से लॉकडाउन हुआ मेरा काम में बहुत असर, काम बंद हो चुका है, और थोड़े मेरे स्कूल में लड़के स्कूल में पढ़ते 2 लड़के, और उसका डर स्कूल में फ़ीस भरने का भी डर हो रहा है, कहीं फीस मांगे मैं कहाँ से दे पाऊँगा, और बच्चों घर में जो खर्चा था चलता था वो बंद हो चुका है, जो मेरे पास सेविंग था सब खत्म हो चुका है, बड़ी दिक्कत हो रही है मेरे को उससे। घर में कोई और भी काम करते? नहीं, मैं अकेला, मेरी फैमिली अलग है, मैं अलग रहता था, मम्मी अलग रहती है, मैं अलग, उसमें मेरी मम्मी को भी देखना, मेरे को भी फैमिली बच्चे लोग को भी देखना, बड़ी दिक्कत होती है। अभी क्या लगता है लॉकडाउन बढ़ेगा तो मुश्किल हो जाएगा? मुश्किल तो है ही, हम लोग तो जैसा काम घर पे कुटियों में काम करने वाले हैं, बच्चे अभी राशन पड़े तो दाल चावल थोड़ा बहुत आ रहा है, वो खाना बना के खाने में ठीक है, पर दूध वगैरह बच्चे कुछ लेने देने में पैसा के बहुत दिक्कत हो रहा। काम करते थे मेरे हस्बैंड हाउसकीपिंग के लिए जाता काम पे, और मैं घर में कुटियों में काम करती हूँ। अभी जहाँ काम करती थी वहाँ नहीं जा रहे हैं आप? नहीं, मना कर रहे हैं मैम जी, ऐसा वायरल चल रहा करके। अभी 1 महीना, फिर 1 महीना 15 दिन थोड़ा रुक के आ जाओ, कोई बात नहीं, पर रुक के आ जाना, छोटे छोटे बच्चे करके मना करते हैं वो लोग कोटियों में इधर जा। न्यूज़ क्लिक के ग्राउंड रिपोर्ट में हमने देखा कि कुष्ठ रोग को लेकर जो स्टिग्मा है वो अभी तक किस तरह से मौजूद है, और लॉकडाउन और उसको लेकर जो राहत का पूरा काम चल रहा है वह भी कितनी कम यहाँ तक पहुँची है। बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियाँ गई हैं, जो लोग जहाँ काम करते हैं वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, और शायद सबसे बड़ी बात यह कि सरकार के एजेंडे पर ये लोग नहीं हैं। ये बदरपुर दिल्ली का भट कैंप एरिया है। बजबजाती नालियों और संकरी गलियों की इस बस्ती में 3,000 लोग रहते हैं। ये सभी राजस्थान से आए हुए प्रवासी हैं। लॉकडाउन ने इनसे इनका काम छीन लिया है, सरकार भी इनके पास पहुंचना जरूरी नहीं समझती, खाने पीने की बुनियादी सुविधा भी यहाँ के लोगों को नसीब नहीं। कारवाई मोहब्बत ने यहाँ राशन पहुँचाते हुए यहाँ की जो तकलीफ देही थी वह तस्वीर देखी, आप भी देखिए। ऐसे हम राजस्थान से हैं, लोग 84 के दंगे में हम वहाँ पर थे स्टेशन के सामने, तो यहाँ पर ऐसा खाली मैदान था, तो यहाँ पर हमें 40 साल हो गए हैं बसे हुए। अंदर से चलो, आओ इधर से, इधर से। तो एक बोला थे अब ये हमारी कैंप के हिसाब से हम वैसे ही चल रहे हैं, जैसे छोटी गलियां है, रास्ता निकलने का भी बराबर नहीं है। तो
वहाँ से ऐसे ये सर्कल है, इसी के अंदर 3000 लोग रहते हैं, 2500 से 3000 और आगे और आगे और हमारा कारोबार था पहले बुजुर्गों का कि जजमानी करते थे, तो वो काम नहीं रहा। जो आप स्कूलों में देखे होंगे कागज के कटिंग करके बच्चों को बताते हैं, फूल माला है उनके साथ, वो किताबें सेल करते हैं। ये हमारा कारोबार चलता था स्कूलों में। बच्चों को हम पेपर क्राफ्ट दिखाते जैसे ट्री फ्लावर्स बर्ड्स। तो यार सारे लोग वही काम करते हैं, वही हम सारे लोग, हम आर्टिस्ट हैं, कलाकार, राजस्थान के रहने वाले हैं। कारोबार तो है नहीं सर, यही हमारी कला है। तो हम बहुत सालों से ऐसे ही काम करते थे, लेकिन आमदनी कम थी, खर्चा बहुत था। फिर यहाँ पर जो एमएलए थे प्रेम सिंह, उसने हमारे बोला है कि भाई यहाँ बस बस जाओ, ये खाली जगह है, उनके बाद आपको कुछ ना कुछ करेंगे हम, वो भी नहीं किया। उसके बाद फिर राम सिंह आए जो अभी तक वो भद्रपुर के एरिया में है, वो भी कुछ नहीं किए। इसके बाद फिर तुगलकाबाद में रमेश बिलोड़ी भी, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। अब जो हमारा कारोबार स्कूल का था, अब तो लोग 10-20 भी इकट्ठे होने नहीं दे रहे। फिर ऐसा हमारे पे कहर गिरा है कि बहुत परेशानी होगी सर। अब एक घर में किसी में 12, किसी में 10, किसी में 7, किसी में 8, क्या करें? जिसका फैमिली ज्यादा है उसका घर छोटा, एडजस्ट करके रह रहे हैं। पानी वानी कुछ भी पानी आता है, कभी आ जाता है, बाहर से भी आ जाता है, कुछ 20 रुपए का खरीद के पी लेके पानी ले लेता है। किस तरीके से निकल रहे, किस तरीके से जी रहे, किस तरीके से खा रहे हो हमको मालूम है, मगर एडजस्ट करके निकालना पड़ रहा है, कहाँ जाए तो कहाँ जाएंगे। आप लोग आए मसीहा बन के, नहीं तो भूखे मर गए थे सर। जी आपने राशन दिया, खा रहे पका के? आपसे राशन दिया वो खा रहे सर। न्यूज़क्लिक की डेली राउंडअप में बस इतना ही। सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज़क्लिक की वेबसाइट पर। हमें सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पर फॉलो कीजिए, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। देखते रहिए न्यूज़क्लिक। धन्यवाद।